हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। और मैं हूँ आपकी अपनी इंग्लिश लिटरेचर की प्रवक्ता प्रीति मंडयाल। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हमने हाल ही में अपुरितन एज करना शुरू किया है एंड बहुत खूबसूरती से पिछले लेक्चर में जो फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक थे इस एज के, वो मैंने आपको करवाए। एंड उसके बाद आई डू टॉट यू वन ऑफ इम्पॉर्टेंट राइटर सैमुअल डैनियल एंड हिज वर्क। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और राइटर्स चीज़ें इस एज की एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी दोस्तों सबसे पहले जो मैंने आपको कराना है डैट इज़ सॉन्ग राइटर्स, ठीक है? तो जो ऐसे राइटर्स थे जो सॉन्ग लिखते थे, ध्यान से देखिए, ये अगर आपको एज का समय याद है, ये एज 1620 से 1660 के बीच में है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन उस समय सॉन्ग्स आ चुके थे भाई, गीत आ चुके थे। एंड ऑफिशियली कुछ सॉन्ग के राइटर्स थे, उनके नेम मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों जो सॉन्ग राइटर थे जो हमारे पुरितन एज में हुए हैं वो दो हैं, एक है थॉमस कैंपियन, ओके, और एक है निकोलस ब्रिटोन। कौन कौन से हैं? थॉमस कैंपियन एंड निकोलस ब्रिटोन, ठीक है? तो आपने जस्ट नेम याद रखने हैं। यू मस्ट नो दैट दीज आर द सॉन्ग राइटर्स एंड दे बिलोंग टू पुरितन एज। कौन कौन से हैं? थॉमस कैंपियन, थॉमस कैंपियन, थॉमस कैंपियन, थॉमस कैंपियन, निकोलस ब्रिटोन, निकोलस ब्रिटोन, निकोलस ब्रिटोन, निकोलस ब्रिटोन, ठीक है? बस आपने याद रखना है, ये थोड़े से गुनगुना के मैंने कोशिश की कि आपके दिमाग में बैठ जाए। थॉमस कैंपियन, निकोलस ब्रिटोन है हमारे भाया सॉन्ग राइटर्स का है, जिन पे बहुत अद्भुत साया, बिलोंग करते हैं पुरितन एज को। कौन कौन से? कैंपियन और ब्रिटोन, थॉमस कैंपियन और निकोलस ब्रिटोन। अब दोस्तों आगे जो मैंने आपको पढ़ाना है डेट इज स्पेंसेरियन पोएट्स, ठीक है? जैसे पिछले लेक्चर में मैंने एक जगह पे मेंशन किए थे मेटाफिजिकल पोएट, आपको समझाया भी था कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, थोड़ा बहुत बताया था। तो वैसे दोस्तों अब हम करेंगे स्पेंसेरियन पोएट्स, ठीक है? तो इससे पहले कि इसमें जो जो पोएट्स हैं वो मैं आपको करवाना शुरू करूं, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्पेंसेरियन पोएट्स में आएगा क्या। तो स्पेंसेरियन बना स्पेंसर से, एडमंड स्पेंसर, जो एलिजाबेथन एज के वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट पोएट थे, जिन्होंने हमें शेफर्ड क्लैंडर एंड फेरी क्वीन जैसे बहुत पॉपुलर वर्क दिए हैं, जिनकी वजह से चौसर के बाद अगर किसी को नेशनल पोएट का अवार्ड मिला था तो वो एडमंड स्पेंसर को माना जाता था। तो स्पेंसेरियन में स्पेंसर का मतलब है एडमंड स्पेंसर, जो बहुत पॉपुलर पोएट ऑलरेडी रह चुके हैं। पोएट्स हो गया कवि, ठीक है? तो ऐसे कवि, ऐसे पोएट्स जो स्पेंसर को फॉलो करते थे अपने राइटिंग में, जैसे कैसे कविता लिखनी है, कैसे ओवरऑल उसका प्लॉट बनाना है, कैसे वोकैबुलरी यूज़ करनी है, कैसे रिदम लानी है, जो स्पेंसर को अपना आइडियल मान के चलते थे अपनी पोइट्री में एंड उसको फॉलो करते हुए अपने वर्क लिखते थे, उसे हम कहते हैं स्पेंसेरियन पोएट, ठीक है? स्पेंसेरियन पोएट बोले तो वो पोएट जो एडमंड स्पेंसर को एज अ राइटर फॉलो करते थे उनके स्टाइल में, ओके? और स्पेंसेरियन पोएट में दोस्तों काफ़ी सारे पोएट्स हम करेंगे। सबसे पहले पोएट है हमारे पास सीए, और करने का तरीका हमारा वही है, एक एक करके हम पोएट लेंगे, उनकी पर्सनैलिटी, पर्सोना और वर्क लेंगे, जो भी हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट है वो हम कर लेंगे, ठीक है? तो अभी तक क्लियर हो गया ना? स्पेंसेरियन पोएट ऐसे पोएट, ऐसे कवि जो स्पेंसर को रोल मॉडल मानते हुए अपना काम करते थे। तो सबसे पहले हम ये वाले कवि करेंगे। आपको पता है किसका फोटो है? ये फोटो है दोस्तों आपका गिल्स फ्लेचर का, ठीक है? कौन से हैं ये? ये भाई साहब है हमारे गिल्स फ्लेचर, ये काफ़ी ओल्ड राइटर हैं। इनका जब फोटो सर्च भी किया ऐसे मिला नहीं, ये पिक मिली थी तो मैंने ये लगा दी, क्योंकि आपको पता ही है इस प्रकार की पिक्स एंड कलरफुल कंटेंट मैं अपने बच्चों को, लर्नर्स को प्रोवाइड कराती हूँ ताकि एक इंटरेस्ट बना रहे, है ना, और इंडिया का बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट आपको मिले। सो गिल्स फ्लेचर इज द वेरी फर्स्ट राइटर, वेरी फर्स्ट स्पेंसेरियन पोएट जिसको अभी हम करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं बता देती हूँ गिल्स फ्लेचर को लेकर। दोस्तों इनका जन्म 1588 में हुआ था एंड 1623 में इनकी डेथ हो गई है ना। 1588 में
गिब्स फ्लेचर पैदा हुए थे एंड 1623 में इनकी डेथ हो गई है। एंड आई डोंट थिंक मुझे फिर से बताने की जरूरत है कि ये डेट ऑफ बर्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे भाई प्रश्न पढ़ते हैं, कौन राइटर किसका कंटेम्प्ररी था, साथ में था, या कौन पहले आया कौन बाद में, क्रोनोलॉजिकली वाले, तो आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों खास बात क्या है, स्पेंसर को तो ये फॉलो करते ही थे, पर ये मिल्टन को भी फॉलो करते थे, ठीक है। स्पेंसेरियन पोएट है, स्पेंसर को तो ये फॉलो करते ही थे राइटिंग में, ये मिल्टन को भी फॉलो करते थे। गिल्स फ्लेचर का दोस्तों एक बहुत पॉपुलर वर्क है, क्रिस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। जैसे चौस्टर को हम कैंटरबरी टेल से जानते हैं, गिल्स फ्लेचर को उनके इस वर्क से जाना जाता है, क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, जो 1610 में आया था, ठीक है। और दोस्तों विलियम लेगलैंड का पायर द प्लोमैन आपको याद होगा, मैंने आपको चौस्टर एज में कराया था। और एक वर्क है पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन का है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कहा जाता है विलियम लेगलैंड के पायर द प्लोमैन के बाद और मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से पहले अगर कोई बेस्ट वर्क आया है तो वो ये है, क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, जो 1610 में आया है, ठीक है। विलियम लेगलैंड मैंने चौस्टर एज में पढ़ा दिया है, पायर द प्लोमैन आने वाली एज में, आने वाले समय में मैं आपको मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट भी पढ़ाऊंगी। तो दोनों के बीच में आया था गिल्स फ्लेचर का क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, जो 1610 में आया था और इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखो जो विलियम लेगलैंड का पायर्स द प्लोमैन है वो भी रिलीजियस वे से वर्क है, धार्मिक वे से है ना। और जो आगे मैंने मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट कराना है वो भी रिलीजियस वे से या धार्मिक वे से है। और ये जो बीच में आया गिल्स फ्लेचर का 1610 में क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, ये भी दोस्तों रिलीजियस वे से, क्राइस्ट नाम से आपको पता लगा, जीसस क्राइस्ट जो थे, है ना। तो तीनों की थीम रिलीजन ही है, तीनों का लेवल बहुत बेस्ट है, तो इसको हम बेस्ट मानते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात क्या है, उसकी खास बात क्या थी गिल्स फ्लेचर की, ये रिलीजियस थीम को एलिगोरिकली डील करता था, है ना। यानी कि हमेशा इसके वर्क की थीम रिलीजियस रहती थी, धार्मिक रहती थी, पर एलिगोरिक वे से वो उनको डील करता था। एलिगोरिक का मतलब होता है डबल मीनिंग वे से, यानी कि कहीं पे तीर कहीं पे निशाना। अगर आप इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे, जो भी इसने स्टोरी लिखी है, डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आप स्टोरी पे फोकस करोगे तो नहीं आपको समझ आएगा, पर हर स्टोरी जो है, हर जो पात्र इसने यूज़ किया है, हर जो पॉइंट यूज़ किया है, उसको थोड़ा सा ट्रिकी माइंड से आप सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि पूरी कहानी ही अलग है, ठीक है, पूरी ये कहानी ही अलग है। तो ये इनकी खास बात थी, रिलीजियस थीम लेते थे, धार्मिक थीम लेते थे, पर एलिगोरिक वे से उसके साथ डील करते थे, डबल मीनिंग वे से। सीधा सीधा नहीं समझनी इनकी बात, डबल मीनिंग वे से। इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जब मैं हिमाचल में थी तो बोलते हिमाचल के लोग भोले भाले होते हैं, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना नहीं होता, हमें इतना समझ नहीं आता। पर अब शादी के बाद मैं पंजाब में आई हूँ तो लिटरली दोस्तों अब मैं एक मीनिंग के दो क्या चार मीनिंग निकाल सकती हूँ, इतना मेरा दिमाग डेवलप हो गया है। तो डैट इज एलिगरिकल, जब आप डायरेक्ट जो होता है उस पर फोकस नहीं करते, उसके बिहाइंड भी जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और गिल्स फ्लेचर ने सिर्फ ऐसे समझाने की कोशिश नहीं की है, लिटरली उसका वर्क वैसा है, है ना, पर एक अच्छे वे से है, किसी बुरे वे से नहीं है, अच्छे वे से है। और लिटरली रिलीजन की रियल इंपॉर्टेंस बताना, समझाना, वो उन्होंने किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने किए अपने सबसे पहले एडमंड स्पेंसर के फॉलोअर, स्पेंसेरियन पोएट गिल्स फ्लेचर। तो इसमें दोस्तों आपने गिल्स फ्लेचर को गूगल कर लेना है, स्पेंसर को और मिल्टन को गूगल कर लेना है। इसमें से स्पेंसर तो आप ऑलरेडी गूगल कर चुके होंगे पीछे जब आया था। गिल्स फ्लेचर का वर्क क्रिस्ट विक्टोरियन ट्रायम्फ गूगल कर लेना है, पायर द प्लोमैन गूगल कर लेना है, ऑलरेडी आप पहले कर चुके हैं क्योंकि आ चुका है वर्क, और पैराडाइज लॉस्ट गूगल कर लेना है, ऐसे आगे भी आएगा, ठीक है। तो इस स्लाइड में जितने भी राइटर्स थे, जितने भी वर्क हैं, सबको आपने गूगल पे सर्च करना है। सर्च करते ही टॉप पे जो 4 से 5 लाइनें निकलेंगी वो आपने नोट डाउन कर लेनी है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे स्पेंसेरियन पोएट हैंगे, ठीक है। एनी गैसेस इनका नाम क्या है, इनका नाम से दोस्तों जॉर्ज वीदर। इनका नाम क्या है, जॉर्ज वीदर। वीदर तो नहीं, कुछ फैदर फैदर टाइप है ना इनका कॉलर, जैसे फैदर लग रहा है, जैसे कोई पंख लगाए हैं, तो ये फैदर तो नहीं है, ये है जॉर्ज वीदर, ठीक है दोस्तों। तो जॉर्ज वीदर अब हम नेक्स्ट स्पेंसेरियन पोएट करेंगे जो स्पेंसर की तरह लिखते थे। इनका जन्म दोस्तों 1588 में हुआ है और 1667 में इनकी डेथ हो गई थी, 1667 में इनकी डेथ हो गई थी, ध्यान रखना है।
कंटेम्पररी वाला प्रश्न, कौन किसके समकक्ष है राइटर और कौन पहले आया कौन बाद में, क्रोनोलॉजिकली वाला प्रश्न आ सकता है। इनके बारे में सबसे पहली बात दोस्तों, ये रॉयलिस्ट लीडर थे, यानी कि लीडर थे ये, है ना, रॉयलिस्ट लीडर थे, मतलब रॉयल्टी में भर भर के थी, ठीक है, और लीडर का ये काम करते थे लोगों को काइंड ऑफ अवेयर करना एंड ऑल। और आपको जान के हैरानी होगी, ये इम्प्रीजन भी हुए थे, जेल में भी गए थे। ऑब्वियसली जो लोगों को अवेयर करें, उनके जो वाकई अधिकार हैं उसके बारे में अवगत कराएं, तो क्या होता है, जो मेन हमारी पावर में बैठी हुई जनता है वो खज्जल हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो ये हमारे काइंड ऑफ एक लीडर थे, इनमें बहुत रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ फीलिंग थी एंड लोगों को अवेयर करने का काम करते थे, जो ऊपर की सत्ता को पसंद नहीं आता था, और वो जेल में भी गए थे इस वजह से। तो ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, एक तो उनका लीडर होना जिस वजह से उनका जेल जाना। इनके वर्क में खास बात क्या है दोस्तों, इन्होंने लिरिकल पोइट्री लिखी है, इनकी काफ़ी सारे वर्क जो हैं लिरिकल पोइट्री हैं। तो यहाँ पे ये लिरिकल पोइट्री मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने सुनेट बताया था, पोइट्री तो हो गया कविता पोइट्री, लिरिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिरिकल में आपने तीन एस याद रखने हैं, ट्रिपल एस, एस एस एस। पहले एस का मतलब है सिंगल थीम, मतलब एक सिंगल थीम पे होती है, एक ही टॉपिक पे लिखी जाती है। दूसरा होता है स्मॉल, बहुत छोटी सी होती है। और तीसरा होता है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन, इसमें जो भी होता है हम एक ही फ्लो में कह देते हैं, ठीक है। तो लिरिकल या लिरिक्स एक पोइट्री है जिसमें तीन एस हैं। पहला एस है स्मॉल, ये छोटी होगी, बहुत लंबी नहीं होगी पोएम। दूसरा है स्मॉल स्पॉन्टेनियस फ्लो, इसमें एक जो है स्पॉन्टेनियस होगा, जो भी होगा आप कह देंगे। और तीसरा पॉइंट क्या था, स्मॉल थीम स्पॉन्टेनियस, हाँ, और सिंगल थीम, किसी एक ही थीम पे ये होती है ना। आप छोटी सी पोएम लिखोगे स्मॉल होगी, उसमें एक ही सिंगल थीम एक ही टॉपिक पे होगी, और स्पॉन्टेनियस जो भी होगा आप कह के निकल जाओगे। ये लिरिकल पोइट्री कई बार मैं बहुत यूज़ करती हूँ, जैसे अचानक से नहीं कुछ शब्द आपके मुंह से निकल जाते हैं, जैसे आई ऑलवेज यूज दिस, जो सोच के कहा जाए वो हाले ज़माना, जो सोच के कहा जाए वो हाले ज़माना, जो यूँ ही निकल आए वो दिले बयां, ठीक है। तो एक सिंगल है, थॉट पे है जो हम फील करते हैं, सिंगल है, दूसरा स्मॉल है, छोटी सी है, एंड तीसरा स्पॉन्टेनियस फ्लो, जो भी था वो एकदम से बाहर आ गया, ठीक है। और अगर मैं ये, आप ध्यान रखना है ना, देखो जो भी हमारी लिटरेरी टर्म्स हैं एंड ऑल, वो सारी साथ साथ में हो रही हैं, जब ये एजीज हम कर रही हैं, ये राइटर्स एंड वर्क कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो साथ साथ में हो रहा है। तो ये लिरिकल पोइट्री लिखते थे, सिंगल थीम, स्मॉल इन साइज, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन। अगर मैं इनके वर्क की बात बताऊँ जो काम का है, तो दोस्तों इनका वर्क था हाइम्स एंड सॉन्ग्स ऑफ द चर्च। हाइम्स होते हैं बेसिकली जो भजन गीत नहीं गाते मंदिर में, वो तो हाइम्स एंड सॉन्ग ऑफ द चर्च, ये इनका वर्क था, हाइम्स एंड सॉन्ग ऑफ द चर्च। और दोस्तों खास बात क्या है, ये वाली जो किताब है ना जॉर्ज बीदर की, ये इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बुक है, इंग्लिश लैंग्वेज में पहली हाइम बुक है, पहली भजन गीत की किताब है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर पहले, सबसे पहले कोई ऐसे भजन गीत की किताब किसी ने लिखी है, वो है जॉर्ज बीदर की, हाइम्स एंड सॉन्ग्स ऑफ चर्च। चर्च नाम से पता चल रहा है रिलीजियस थिंग है, हाइम्स होते हैं भजन, सॉन्ग्स हो गए गीत, तो भजन और गीत चर्च को लेकर, ठीक है। तो ये इस प्रकार की पहली किताब थी जिसमें भजन ही लिखे गए थे, जो जॉर्ज बीदर की थी, ये आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जॉर्ज बीदर को आपने गूगल कर लेना है, और लिरिकल पोइट्री ये टर्म आ गया, एक जॉनर आ गया, इसको गूगल कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे, इसके सारे पॉइंट्स एंड ऑल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, नोट कर लेना जो भी इसके फीचर्स एंड ऑल। और ये जो वर्क है इनका, हाइम्स एंड सॉन्ग ऑफ द चर्च, ये आपने गूगल करना है। इसको जब आप गूगल करोगे कब ये वर्क आया, इसका राइटर कौन है, इसकी खास बातें सारा निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगेन मैं कह देती हूँ, क्या कहती हूँ, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार देना चाहिए, है ना। तो जो भी राइटर वर्क टर्म कॉन्सेप्ट कुछ भी थ्योरी कुछ भी मैं गूगल करने को कहती हूँ, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ क्लास में, आपने पढ़ लिया है साथ में ही गूगल कर लिया करो, बाद के लिए ना छोड़ा करो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट राइटर हैं स्पेंसेरियन पोएट, वो ये हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कौन से पोएट हैं, ये हैं दोस्तों हमारे फिनिकस फ्लेचर। सबसे पहले हमने किए थे गिल्स फ्लेचर, ये है दोस्तों हमारे फिनिकस फ्लेचर, ठीक है। तो आइए फिनिकस फ्लेचर को भी देख लेते हैं।
इनकी खास बात क्या है दोस्तों, ऑब्वियसली एक तो स्पेंसेरियन है, स्पेंसर को इन्होंने फॉलो किया है। तो दोस्तों इन्होंने सीरीज ऑफ इकोलोग लिखी थी, मतलब एक पूरी सीरीज लिखी थी इकोलोग की। ठीक है, इकोलोग क्या होता है पहले मैं वो बता देती हूँ। इकोलोग की दो बातें होती हैं, एक तो वो पास्टोरल पोएम होती है और दूसरा वो डायलॉग की फॉर्म में लिख के जाती है। मैंने पहले भी आपको समझाया है जब मैंने एडमंड स्पेंसर का वर्क बताया था। पास्टोरल का मतलब है जिसकी थीम गांव भेड़ गटरिए पे हो, मतलब गांव रस्टिक सी लाइफ, भेड़ गटरिया, नेचर। और डायलॉग हो गया डायलॉग, तो ऐसी कोई पोएम जिसमें डायलॉग की फॉर्म में बात बताई गई है और उसकी थीम भेड़ गटरिए गांव वाली है, उसको हम इकोलोग कहते हैं। ठीक है, सिंपल पास्टोरल होता है जब सिर्फ थीम आपने भेड़ गटरिए गांव वाली ली है। पर उसी पास्टोरल में जब आप उसी थीम को लिखने के लिए, उस पोएम को लिखने के लिए डायलॉग्स यूज करते हो कि डायलॉग्स की वे में कन्वर्जेशन हो रही है, तो वो इकोलोग बन जाता है। पास्टोरल थीम प्लस डायलॉग इज इकोलॉग। तो इन्होंने काफी सारे इकोलॉग लिखे हैं। पर खास बात पता क्या थी फिनिकस फ्लेचर की, इनके इकोलॉग में भेड़ गटरिए नहीं थे, इनके इकोलॉग में फिशरमैन थे। इन्होंने बेसिकली जो मछियारे होते हैं, इन्होंने भेड़ चराने वाले नहीं पकड़े, मछली पकड़ने वाले पकड़े, है ना। और इस प्रकार के इकोलोग को हम पिस्केटरी इकोलोग भी कहते हैं। आपने सुना होगा जिनकी मीन राशि होती है उसको हम पाइसिस कहते हैं। पाइसिस का मतलब होता है मछली। मीन राशि जिनकी होती है, जैसे मेरा बॉर्न डेट है 25 फेब को मैं पैदा हुई हूँ, तो मून राशि के अकॉर्डिंग वो मीन पड़ती है राशि, है ना, पाइसिस। तो आपने ये ध्यान रखना है, पी से पिस्केटरी, पी से फिनिकस। ठीक है, तो पी से फिनिकस फ्लेचर ने पी से पिस्केटरी इकोलोग लिखे हैं। पिस्केटरी में, पिस्केटरी में पिस पाइसिस, पाइसिस का मतलब होता है फिशेस, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम थर्ड राइटर कर रहे हैं फिनिकस फ्लेचर। ओके जी, स्पेंसेरियन पोएट है, इन्होंने इकोलोग की पूरी सीरीज लिखी है। इकोलोग एक प्रकार की पोएम होती है जिसमें गांव वाली थीम है, यानी कि पास्टोरल, और डायलॉग की फॉर्म में वो कन्वर्जेट हो रही है। पर इनकी खास बात क्या है, गांव वाली थीम तो थी पर नॉर्मल भेड़ गडरियों की जगह, शेफर्ड की जगह इन्होंने मछली पालने, जो मछली पकड़ने वाले हैं उनको यूज किया था, फिशरमैन को। ठीक है, तो इस प्रकार के इकोलोग जो है फिर पिस्केटरी इकोलोग बन जाते हैं। पिस्केटरी यानी कि पाइसिस, पाइसिस यानी कि मीन, यानी कि मछली। तो मछली थी इनकी, मछली पकड़ने वाले लोगों की कन्वर्जेशन बताई है, उनके डायलॉग बताए हैं ना, कैसे एक एक शब्द में कैसे गहराई छुपी हुई है, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट है। डन हो गया पहला, पी से फिनिकस फ्लेचर ने लिखे, पी से पिस्केटरी इकोलोग जिनका मतलब होता है फिशरमैन पे लिखना, है ना। इकोलोग भी क्लियर हो गया, है ना। चलो अब दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगला जो इनका वर्क है करने वाला वो है द पर्पल आइलैंड। ठीक है, द पर्पल आइलैंड की खास बात क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की एलिगोरिक पोएम है। एलिगोरिक यानी कि अगेन डबल मीनिंग पोएम है, ह्यूमन बॉडी पे इंसान पे। और इसके जो मेन करेक्टर है वो है हमारा माइंड, दिमाग, वाइस, वर्चू, अच्छाई, बुराई, वो इसके मेन करेक्टर है। जैसे जनरली क्या होता है, हम कुछ करेक्टर लेते हैं किसी वर्क को लिखती बात, कोई करेक्टर हम बुरा बना देते हैं तो वो हमारा विलेन हो गया, कोई करेक्टर हम अच्छा बना देते हैं वो हमारा हीरो हो गया, फिर हमारी कहानी आगे बढ़ती है। पर पर्पल आइलैंड में कोई करेक्टर अच्छा या बुरा नहीं है, उसके उसके फीचर्स अच्छे या बुरे नहीं है, इसमें करेक्टर के नेम यही है, माइंड, वाइस, वर्चू, अच्छाई, बुराई, दिमाग। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एलिगरिक वर्क है, एलिगरिक डबल मीनिंग, है ना। जब आप माइंड करेक्टर कुछ बोल रहे हैं तो एक्चुअली में आपका दिमाग क्या कहता है, कैसे डील करता है, आप वो बताने की कोशिश वहां पे कर रहे हो, वो समझाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो पर्पल आइलैंड पीपी से आ गया, ये फिनिकस फ्लेचर का वर्क है। ये एक एलिगरिकल डबल मीनिंग वर्क है ह्यूमन बॉडी पे, जिसमें जो करेक्टर्स हैं वो डायरेक्ट माइंड, वाइस, वर्चू हैं। डायरेक्ट आपने ऐसे करेक्टर लिए हैं और उनके माध्यम से आप अपनी बात जो है कह रहे हो। ठीक है, तो पी से फिनिकस फ्लेचर के, पी से पिस्केटरी इकोलोग है जिसमें फिशरमैन है, और पी से फिनिकस फ्लेचर का पर्पल आइलैंड है जो एलिगरिक वर्क है ह्यूमन बॉडी पे, है ना। मतलब डायरेक्ट कोई करेक्टर लेके उसके फीचर नहीं बताए वो अच्छा या बुरा है, डायरेक्ट करेक्टर ही अच्छाई, बुराई और दिमाग है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने फिनिकस फ्लेचर को भी गूगल कर लेना है, पिस्केटरी इकोलोग को भी गूगल कर लेना है और पर्पल आइलैंड को भी गूगल कर लेना है। ठीक है, तो जो भी इस स्लाइड में राइटर था, वर्क था या कोई भी टर्म थी, वो सब आपने गूगल कर लेना है।
ठीक है। सो दोस्तों, इस प्रकार हमारे जो भी स्पेंसेरियन पोएट हैं सारे फिनिश हो जाते हैं, और आने वाली क्लास में वी विल बी टेकिंग मेटाफिजिकल पोएट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो कैसा लगा आपको सेशन? क्या दिल से पढ़ाया, आपके दिल तक गया, अच्छा लगा? ठीक है, तो सेशन को जरूर थम्स अप दें, प्यार दें, और क्या दोस्तों, आप ऐसे ही बेहतरीन तरीके से अपने इंग्लिश लिटरेचर के नेट, सेट, एमफिल, पीएचडी, एंट्रेंस, कमीशन, किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और फुल फ्लैश कोर्स आपकी सेवा में हाजिर है, वो भी पॉकेट फ्रेंडली रेट पे, क्योंकि आप पढ़ रही हैं इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई पे। साथ में दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप हमें जरूर मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, हमारी टीम और मैं खुद आपको बहुत अच्छे से ज़रूर गाइड करेगी। और दोस्तों, बहुत खूबसूरत परिवार है आप सबका अपना, हमारा अपना पॉकेट पढ़ाई, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा पे लिंक्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हैं, वहाँ पे हमें फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। तो इसी नोट पे लेते हैं अलविदा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, ध्यान रखना हार्डवर्क सब करते हैं, पर हार्डवर्क को जो स्मार्टली करता है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कंटेंट में लेकर आई हूँ, इसमें जो पिक्स हैं, कलरफुल कंटेंट है, आई नो उसमें कितनी मेहनत लगी है, पर ये मेहनत स्मार्ट वर्क की निशानी है। एंड सिमिलरली मैं आपको भी टिप्स दे रही हूँ कि आप स्मार्टली कैसे काम कर सकते हैं, तो डू फॉलो दैट फ्रॉम हार्ट, दिल से उसको फॉलो करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग, टेक केयर।